अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ZX7 250 SIGBT वेल्डिंग मशीन है, इसके अंदर फॉल्ट क्या है और उसको कैसे हल किया जाता है। दोस्तों इसको हमने खोला है, इसका टापा हमने जो है ना वो कवर इसका हम रिमूव किया है और इसके अंदर हमने देखा है जी कि ये हीट सिंक लगे हुए हैं और हीट सिंक के साथ इसके IGBT लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सिंपल 2 IGBT लगे हुए थे जो कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देख लें, ये जो स्ट्रिप लगी हुई है आपको ये सिंगल IGBT के साथ लगती है। एक हीट सिंक के साथ लगी हुई थी और दूसरी हीट सिंक के साथ लगी हुई थी और ये वाले इसके स्क्रू थे, ठीक है जी। तो अभी हमने इस तरह किया है जी कि इसकी जो ड्राइव थी हीट सिंक बाहर निकालें और बाहर निकाल के इसकी ड्राइव रिपेयर की है। इसमें 10-10 ओम के 2 रजिस्टर ख़राब थे, वो चेंज कर दिए और इसके अलावा इसको प्लांट को हमने अपग्रेड किया है। बेसिकली बहुत शॉर्ट टाइम के बाद तकरीबन अबाउट 1 मंथ एगो ये रिपेयर हुआ था यही वाला प्लांट और दोबारा से फिर ये अनसर्विसेबल हो गए। तो कोशिश यही होती है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहे मशीन, जो भी रिपेयर होती है उसको लॉन्ग टर्म उसका जो है ना वो अपनी कारकर्दगी चलाती रहे। तो इस लिहाज से हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए। इसके अंदर 4 IGBT हमने कर दिए, देख लें, 2 एक साइड पे कर दिए एक हीट सिंक के साथ और 2 जो है ना वो दूसरी साइड पे कर दिए। तो इसकी ड्राइव भी रिपेयर कर दी है और IGBT भी चार्ज कर दिए हमने और बाकी इसका जो कंट्रोल सिस्टम है ये ऑलरेडी ओके है। इसकी पावर सप्लाई वाला कार्ड जो है ना वो ये आप देख लें कि ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई का कार्ड है जो कि रिले को एक्टिवेट कराता है और आगे जो है ना हमारे लो वोल्टेज इस कार्ड को मिलते हैं और इसके साथ साथ जो है ना वो इसको फ़ैन को रन करवाते हैं। तो अभी इसके अंदर हमने जो है ना IGBT इंस्टॉल कर दिए हैं, ये देख लें, इसमें 2 IGBT ये वाले ख़राब निकले हैं जी। ये IGBT इसमें 1200 वोल्ट के IGBT लगते हैं, चूँकि देख लें कि ये कैपेसिटर इसके अंदर लगे हुए हैं, एक ये कैपेसिटर आप उसमें सीरीज पैरेलल का कम्बिनेशन बना हुआ है। ये आप देख लें कि इस साइड से आप देखें तो सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं उनकी जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नीचे की तरफ है, ठीक है जी, नेगेटिव नीचे की तरफ है। तो इस तरह आप चेक करेंगे इसको, इसका जो PCB है जब आप उसको उल्टाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 4 कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2, ये जो एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, ये आपस में पैरेलल हैं और एक कैपेसिटर ये है और दूसरा ये है, ये आपस में दोनों पैरेलल हैं। और ऊपर वाली जो कैपेसिटर बैंक है उसका नेगेटिव ये बनता है और जो नीचे वाला कैपेसिटर बैंक है उसका नेगेटिव ये बनता है। तो आप देख लें कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, अंदर वाली साइड से ये प्रिंट जो है ना वो एक ही है और दूसरा जो कैपेसिटर है उसका ये नेगेटिव बनता है और ये पॉजिटिव बनता है नीचे वाले कैपेसिटर बैंक का, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह ये वोल्टेजेस आपस में ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे 600 वोल्ट की IGBT नहीं चलेगी, यहाँ पे जो है ना वो 1200 वोल्ट की IGBT चलेगी। तो हमने 1200 वोल्ट वाली IGBT इसमें लगा दी है चार्ज और अभी इसकी जो हम टेस्टिंग करेंगे, इसको वोल्टेजेस दे के हम इसको टेस्ट करते हैं कि आउटपुट इसकी निकल रही है नहीं निकल रही। तो दोस्तों इसको हमने पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है, 220 वोल्ट इसको इनपुट दे दिया हमने और देख सकते हैं आप कि इसकी आउटपुट हम चेक करेंगे और ये देखें जी, इसकी आउटपुट के ऊपर 63 वोल्ट अवेलेबल हो चुके हैं और ये नीचे ड्राइव का सिग्नल भी आपको नज़र आ रहा है, ड्राइव इसकी जो ना ग्लो कर रही है और IGBT फंक्शन कर रहे हैं। तो जहाँ पे इसकी आउटपुट भी आ चुकी है जी और यकीनन जो है ना ये अभी वेल्डिंग के काबिल हो चुका होगा और इसकी जो एम्पेयर रेटिंग है वो इंक्रीज़ कर दी हमने और इसकी परफॉर्मेंस जो है ना हमने बढ़ा दी है। तो पहले की नस्बत ये अभी अच्छा जो है ना वो काम करेगा इंशाल्लाह और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, इसकी असेंबलिंग करेंगे और आपको इसका रिजल्ट चेक करवाएंगे। इसकी अपग्रेडेशन कर दी गई है और इंस्टॉलेशन जो है ना वो कर दी है कार्ड की, इसकी बॉडी के अंदर लगा दिया है जी
इसको जो है ना हम पावर ऑन करेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे और इसका रिज़ल्ट जो है ना वेल्डिंग का देखते हैं कि इसकी वेल्डिंग कैसी है और आपके साथ शेयर करते हैं। जो है जी पावर ऑन कर दिए, और देखें जी ये फुल करंट के ऊपर चल रहा है जी। थोड़ा सा स्लो करंट के ऊपर हम देख लेते हैं इसकी वेल्डिंग, ये देख लें। ये देख लें पूरा राड इसके ऊपर हमने चला दिया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है और बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसकी वेल्डिंग हो गई है। तो देख लें कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस आपको चाहिए, ऐसे ही रिजल्ट चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है। और रिपेयरिंग के हवाले से अगर कोई स्पॉट चाहिए, ऑनलाइन स्पॉट, तो आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।